नमस्कार दोस्तों, आज का व्लॉग जो है उसमें हम आपको माँ वैष्णो देवी के दर्शन करवाएंगे। तो हमारे घर के ना सामने मेरे एक दोस्त रहते हैं, मिस्टर संजय सिंगल। तो वो वैष्णो देवी गए थे अभी, वो वहाँ की कुछ वीडियो शूट करके लेके आए हैं। जैसे वो यहाँ से दिल्ली से वो वैष्णो देवी कैसे पहुँचे, है ना, और उसके बाद वहाँ कैसे कैसे वैष्णो देवी मंदिर तक वो कैसे पहुँचे, वो सारा कुछ वो शूट करके लेके आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वो देखें, और अगर कोई माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है तो इस वीडियो से उसे भी काफी हेल्प मिलेगी। हम घर से स्टेशन की तरफ निकल लिए हैं, ये देखिए, ये हम राजघाट की तरफ, राजघाट से अब हम सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाएंगे। 7 बजे की हमारी ट्रेन है। कौन सी ट्रेन है? श्री शक्ति ट्रेन है हमारी। श्री शक्ति ट्रेन से सुबह तकरीबन 5:30 बजे वो उतार देती है। ये देखिए आपको, मैं आगे का वो दिखाता हूँ। अभी हम अपनी कार में हैं और अब हम वहाँ पे कार स्टेशन पे कार लगाएंगे अपनी, और हम उसके बाद ट्रेन में बैठ के और सीधा माता के दरबार। जगाला शेरा वालिदा, बहुत सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में आ गए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हम पहुंच गए हैं, तकरीबन 6:30 बज गए यहाँ पे, और हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। यहाँ से हम अपनी ट्रेन पकड़ेंगे। दोस्तों, ये श्री शक्ति ट्रेन, ये देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 7 से श्री शक्ति ट्रेन है ये। धर्मवीर पहले आके बैठ गया। हाँ। जय माता दी। दोस्तों, ये हम वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पे पहुंच गए हैं। दोस्तों, कटरा उतरने के बाद अब हम ये चाय पीने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। ये देखिए कटरा, बस अब हम होटल पहुंचने वाले हैं। सुबह 5:15 का टाइम है, तकरीबन 6:45 बज गए अब ये चाय पीने के लिए। अब यहाँ पे चाय पी के अब आप आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, हाउ वंडरफुल, ये भाई चाय लाया है। माता दी, ये देखिए आप, चुन्नी लाल सामने मशहूर। ठंड नहीं है यहाँ पे जरा भी, दिल्ली में बल्कि ज्यादा ठंड है, यहाँ पे ठंड नहीं है जरा भी। और ये हमने हमारा होटल है, परमानेंट इसी में रहते हैं। दोस्तों, ये देखिए सुबह की वैष्णो देवी कटरा का दृश्य, देखिए आप सुबह का। और अब हम निहारिका की तरफ जा रहे हैं, वहां पे हेलीकॉप्टर की टिकट की ट्राई करेंगे। माता रानी ने चाहा तो हेलीकॉप्टर की टिकट जरूर मिल जाएगी। और ये हम निहारिका की तरफ जा रहे हैं हेलीकॉप्टर की टिकट के लिए। हमें निहारिका जाना होता है, पहले निहारिका से जाके टिकट का पता करना होता है, टिकट है कि नहीं है। अगर टिकट है तो हाउ वंडरफुल, नहीं है तो भी हाउ वंडरफुल। फिर हम वहां से पैदल चलेंगे और आगे का कार्यक्रम फिर आपको बाद में बताएंगे। ये देखिए सामने निहारिका भवन है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा क्लोज करके। ये निहारिका भवन है, हम निहारिका भवन में जैसे एंट्री करते हैं तो वहां पे हेलीकॉप्टर की टिकटें मिलती हैं यहाँ पे। ये निहारिका भवन है, ये देखिए हेलीकॉप्टर भी जा रहा है ऊपर से, या आप ये दिखाते हैं आपको। ये हमने निहारिका भवन में एंट्री ले ली है, ये देखिए आप निहारिका भवन, ये देखिए आप पूरा निहारिका भवन देखिए। यहाँ पे आके हेलीकॉप्टर की टिकटें मिलती हैं, हेलीकॉप्टर की टिकट मिलके फिर हम हेलीकॉप्टर के जहाँ पे हेलीकॉप्टर से ऊपर यात्रा शुरू होगी वहां पे हम लेके जाएंगे आपको। ये देखिए आप, अभी तक हमें हेलीकॉप्टर की टिकटें मिली नहीं है। हम जिद्दोजहद में लगे हुए हैं पूरा कि हमें हेलीकॉप्टर की टिकटें मिल जाए।
ये देखिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर की टिकटें मिलती हैं निहारिका भवन में। यहाँ पे अपार भीड़ है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर के टिकट के लिए बहुत भीड़ है। दोस्तों ये देखो कटरा में इतना सुहावना मौसम है और अब यहाँ पे बारिश भी होने लगी है। देखिए आप, थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी है, एकदम ठंडा सुहावना मौसम कटरा का। ये कटरा का बस स्टैंड है और हमें हेलीकॉप्टर की टिकट मिल गई है। अब हेलीकॉप्टर से जाएंगे, हेलीकॉप्टर का आपको दिखाएंगे आनंद और वापसी में आपको रास्ते का भी दिखाएंगे। दोस्तों अब हेलीपैड जाने के लिए अब हम ऑटो वाले के पास आए हैं, यहाँ पे ऑटो वाले से बातचीत कर रहे हैं। हेलीपैड जाने के लिए कितने पैसे लोगे भैया? पैसे बहुत सामने लिखे हुए हैं, ये देखिए हर जगह की यहाँ पे लिखा हुआ है कितने पैसे कौन लेगा। थैंक यू। अब आप यहाँ से ऑटो हमें कहाँ लेके चलेंगे? हेलीपैड में लेके चलेंगे। अब हेलीपैड यहाँ से कितने किलोमीटर पड़ेगा? 2-2.5 किलोमीटर हेलीपैड बैठेगा। और ये भाई साहब हमें यहाँ से अब अपने ऑटो में, ऑटो बहुत शानदार ऑटो है इनका, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार जी के ऑटो में हम बैठे हैं। जय माता दी माता रानी, इनको सफल करें, अगली बार आए तो इनके पास में गाड़ी मिले। ऑटो की जगह एक इनोवा कार होनी चाहिए। आओ वंडरफुल। ये देखिए आप, पूरा बाजार है यहाँ पे, पूरे बाजार का आप दर्शन कीजिए, ये पूरा बाजार है। अब हमें हेलीपैड लेके चल रहे हैं यहाँ से। ये देखिए हम आपको पूरे बाजार की हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जगारा शरावली दा बहुत सच्चे दरबार की जय। ये देखिए यहाँ से ये हम एंट्री है, ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ से हमें अब यहाँ से टिकट मिलेगी। टिकट मिलने के बाद हम हेलीपैड के ऊपर जाएंगे। पहले वहाँ से पर्ची लेनी होती है, फिर यहाँ पे टिकट होती है। हाँ पहले ये वाली पर्ची मिलती है, इस पर्ची के बाद में फिर यहाँ पे टिकट मिलेगी। फिर हमें ग्लोबल जो हमारा हेलीकॉप्टर है उसकी टिकट मिलेगी। टिकट मिलने के बाद में 5 जने देखो, 3 तो बोरे, 1 ये रहा, चौथा 5वां कहाँ गया? 3 तो बोरे, चौथा ये रहा, 5वां कहाँ गया? अच्छा मैं हूँ क्या? ये आप देखिए, ये बोर्डिंग पास काउंटर है। सबसे पहले हमने उधर से टिकट ली थी, सबसे पहले हमने उधर से टिकट ली थी। यहाँ से हमें बोर्डिंग पास मिलेगा। ये यहाँ से ये वो टिकट काउंटर है और यहाँ पे ये सामने बोर्डिंग पास काउंटर है। हम यहाँ से बोर्डिंग पास लेंगे। बोर्डिंग पास लेने के बाद में फिर हम, हमारा वजन भी होगा यहाँ पे। बोर्डिंग पास लेंगे, बोर्डिंग पास लेने के बाद में फिर हम टैक्सी में बैठ के और फिर हम जाएंगे हेलीपैड पे। थैंक यू। ये देखिए हेलीकॉप्टर आ रहा है अभी। ये जी हाँ दोस्तों, ये देखिए हमारे बोर्डिंग पास आ गए हैं और हम अब हम जाने के लिए तैयार। अब ये सामने गाड़ियाँ आ गई हैं, अब इन गाड़ियों में बैठ के हेलीपैड तक जाएंगे। उसके बाद में फिर वहाँ से हमें हेलीकॉप्टर मिलेगा, फिर हम आगे जाएंगे। दोस्तों ये हेलीपैड का एंट्री गेट है, यहाँ पे ये हेलीपैड है। दोस्तों ये यहाँ पे हेलीपैड है ऊपर, अभी ऊपर जाने का हमें ये वो नहीं दे रहे हैं, देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। ये हेलीपैड है वैसे तो, सब हेलीपैड हेलीकॉप्टर में जाने के लिए सब लाइन लगा रखी है। दोस्तों यहाँ से अभी हमने चेकआउट किया है,
चेकआउट करके अब वैष्णो माता के दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं। तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर यहाँ से माता का दरबार है। जगाना शेरा वाली दा। यहाँ पे घोड़ों की भी सुविधा है, यहाँ पे घोड़े भी मिलते हैं आपको दरबार तक जाने के लिए, घोड़े भी मिलते हैं। एक घोड़े वाला भाई कितने पैसे लेते हैं नीचे जाने के? 400 रुपए लेते हैं आप नीचे? नहीं, भवन के, ये भवन तक के 400 रुपए लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ बहुत सारे भाई हैं जो आप लोगों की सेवा के अंदर बैठे हैं, आप सब इनसे मिले। ये देखिए, ये तो खूबसूरत भाई हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आओ जी आओ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों ये देखिए, भवन की तरफ रास्ता जा रहा है। ये कुछ लोग घोड़े पे भी हैं, गधों के बराबर घोड़े पे बैठे हैं। और ये भवन की तरफ जा रहे हैं, हम आपको भवन की तरफ लेके जा रहे हैं। तकरीबन यहाँ से हेलीपैड से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर पड़ता है ये। तो ये देखो, माता रानी का दरबार यहाँ से नजर आने लगा है। ये देखिए आप, माता रानी का दरबार आपके सामने है। अभी हम ये हैं, यहाँ से जाएंगे और माता रानी के दरबार तक पहुँचेंगे। जकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय। वहाँ पे थोड़ा सा दरबार नजर आ रहा था, ये आप देखिए, ये आपको दरबार पूरा नजर आ रहा है। ये देखिए रास्ते का, ये रास्ता है, बहुत खूबसूरत रास्ता है। और ये माता का दरबार, माता का दरबार तो बहुत खूबसूरत। भक्त लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एकदम श्रद्धा पूर्वक सब भक्तजन दरबार की तरफ बढ़ते हुए, सभी भक्तजन दरबार की तरफ जा रहे हैं। ये दोस्तों, ये रास्ता भैरव मंदिर की तरफ जाता है, वो मैंने आपको रोप वे दिखाया था। और ये भैरव मंदिर की तरफ सीढ़ियों का रास्ता जाता है, ये सीढ़ियों का रास्ता भैरव मंदिर की तरफ जाता है। और ये हम दरबार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें जब हम हेलीकॉप्टर पर जाने के बाद हमें 2.5-3 किलोमीटर वापसी दरबार की तरफ जाना होता है। तो ये भैरव मंदिर को चला गया, ये अब दरबार को जा रहा है। ये यहाँ का प्रीपेड काउंटर है, यहाँ से हमें घोड़े यहाँ पे आके पर्ची कटवाते हैं घोड़े वाले यहाँ के। ये देखो, भैरव टेम्पल की तरफ जाना है तो इधर चले जाएंगे, और हेलीकॉप्टर की तरफ जाना है तो इधर चले जाएंगे। ये दो रास्ते हैं। ये देखिए घोड़ों की भीड़, यहाँ पे घोड़ों की पूरी भीड़ है। कितने घोड़े हैं, ये पूरी घोड़ों की भीड़ है। जकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय। दोस्तों यहाँ पे भोजन करने के लिए, जब आप दर्शन कर लें और उसके भोजन नाश्ता कुछ भी करने के लिए यहाँ पे ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये देखिए, ये ऊपर दरबार पे एकदम टॉप पे, जहाँ मेन दरबार है समझ लो वहीं पे हैं। यहाँ पे सारी शॉप्स हैं, ये टोटल शॉप्स हैं यहाँ पे। ये देखिए आप, लोकर्स की सुविधा भी उपलब्ध है यहाँ पे। ये देखिए आप, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत दुकानें हैं, एक से एक दुकानें हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया माता रानी की चुन्नियाँ, आप ये देखिए। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे गुलाब वाला भी है, गुलाब रेवड़ी वाला भी इधर है, इधर ये देखो, इन्होंने गुलाब वालों ने भी यहाँ पे ये शॉप खोल रखी है। ये देखिए आप, गुलाब वाले यहाँ भोजनालय भी है। अगर आपको वैसा भोजन करना है सादा, तो ये भी है, और नथू स्वीट्स भी है यहाँ पे। ये नथू स्वीट्स हो गई, ये टोटल नथू स्वीट्स है। नथू स्वीट शॉप काफ़ी बड़ी शॉप खोल रखी है। और आगे सामने आपको सागर रत्न दिखाई दे रहा है, ये सागर रत्न, सामने सागर रत्न है। और ये सामने अब हम भवन की तरफ, भवन में माता रानी के एकदम चरणों में पहुंच गए हैं, हम एकदम चरणों में पहुंच गए माता रानी के। ये देखिए आप, हाउ वंडरफुल, जय
माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये देखिए, सबसे पहले हम टीवी पे दर्शन करेंगे माता रानी के। ये घुसते ही यहाँ पे सबसे पहले टीवी के ऊपर दर्शन होते हैं माता रानी के। ये हम टीवी पे दर्शन करेंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और अब यहाँ पे अब श्रद्धालु सब दर्शन करके वापसी आते हुए अब ये भैरव बाबा जाएंगे सारे श्रद्धालु। अब हम यहाँ पे पहले स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद फिर हम दर्शन के लिए जाएंगे। जब नवरात्रे होते हैं तो ये सारा सजा होता है टोटल। मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ से वहाँ तक, पूरी फूलों की, फूलों से ही फूलों से सजा होता है। इतनी खुशबू होती है, बेहतरीन। आप कभी आओ तो नवरात्रों में आओ। लोग बाग कहते हैं भीड़ बहुत होती है, पर ऐसा कोई भीड़, कोई ऐसी कोई ज़बरदस्त भीड़ नहीं होती। ये देखिए आप यहाँ पर, यहाँ से समझ लो सामने सामने आपको जो दिखाई दे रहा है सब ये स्नानाघर है। यहाँ पर लोग बाग सब स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद में ये सामने ऊपर लाल रंग की आपको नजर आ रही है, वहाँ पे माता रानी का भवन है। वहाँ तक हमें कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं है, तो हम जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक हम आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है अभी रोड के ऊपर, रोड के ऊपर कुछ काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे कचरा सा फैला हुआ है थोड़ा बहुत, नहीं तो बहुत साफ़ सुथरा है, चारों तरफ बहुत साफ़ सुथरा है। बस ये अभी थोड़ा सा काम वाम कहीं कहीं चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है, नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखिए, ये देखिए, अब हम लोग सब मिलकर स्नानागार की तरफ जाएंगे और स्नान करेंगे। बस स्नान करने के बाद मुझे मोबाइल रखना होगा, मेरी मजबूरी होगी, क्योंकि जब दर्शन करने जाते हैं तो कोई मोबाइल, कोई पर्स, कोई बेल्ट, कुछ भी अलाउड नहीं है, इसलिए हमें सब चीज़ छोड़ के जानी पड़ती है। स्नानागार है यहाँ पे, सब लोग श्रद्धा से स्नान कर रहे हैं, सारे सब एकदम श्रद्धा से स्नान कर रहे हैं। स्नान करके सभी श्रद्धालु दर्शन को जाएंगे। दोस्तों अब हम नहा धो के आगे चल दिए हैं दर्शन की तरफ। ये हम गेट नंबर 5 की तरफ जाएंगे और हो सकता है वहीं से हमारा जैक लग जाए और हम अंदर दर्शन के लिए वहां से घुस जाए। ये देखिए आप यहाँ जाएंगे, ऊपर कालका भवन है, वहाँ पे लॉकर भी है, लिफ्ट से आप जा सकते हैं। अगले महीने तो हो सकता है यहाँ पे बर्फ ही बर्फ हो। दोस्तों ये दर्शन कर लो, हम दर्शन करके आ गए हैं और यहाँ से दर्शन करने के बाद यहाँ से वापसी का एक जरिया होता है। अब हम वापसी जा रहे हैं, अब वापसी जा रहे हैं। ये देखिए आप, यहाँ से हमने एंट्री करी थी। ये देखिए आप, यहाँ का डोनेशन काउंटर है। ये देखिए भाइयों, ये अधिकारी आ गई है, अब अधिकारी से वापसी। अब हम सीढ़ियों से वापसी होते हुए, देखिए 115 सीढ़ी है और अब ये सीढ़ियों से हम वापसी होंगे। आओ जाओ, चल चल आओ, बोलो जय माता दी। अब हम ये सीढ़ियों से वापसी हैं, बाकी आने के टाइम पे सीढ़ियाँ बढ़िया नहीं है, जाने के टाइम पे, वापसी उतरने के टाइम पे सीढ़ियों से फिर भी जा पा सकते हैं। थैंक यू। आप ये उतर गए तो समझ लो इसके बाद एक सीढ़ी और आती है, उससे आप चरण पादुका पहुँच जाएंगे। जब वापसी में उतरेंगे तो रस्ते में चरण पादुका से जब आप आएंगे और अधिकारी से चरण पादुका के बीच में एक बीकानेर स्वीट्स आती है, फैमिली रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खाओ पियो। उसके बाद में ये सीढ़ियाँ हैं। अरे कितने वाली सीढ़ी है ये? हाँ भाई, कितने वाली सीढ़ियाँ हैं? 326 हैं, 431 सीढ़ियाँ हैं। बस ये उतरे और ऐसा लगा कि हम चरण पादुका पहुंच गए। हाउ वंडरफुल। दोस्तों ये देखिए आप चरण पादुका, चरण पादुका के आप दर्शन कर लें। ये देखिए चरण पादुका। अब हम अर्धकुंवारी से
और कटरा के आधे रास्ते पे हैं समझ लो आप, मोटा मोटी नीचे आ ही चुके हैं। ये देखिए आप चरण पादुका का मंदिर, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले यहाँ पे आके मत्था टेकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आखिरी सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ हम चलेंगे, ये सीधा बाणगंगा निकलेंगी। तो आपने ये देखा, ये आखिरी सीढ़ियाँ हैं जो कि सीधा बाणगंगा पर आती हैं। ये आखिरी सीढ़ियाँ हैं जो कि सीधा बाणगंगा पर आती हैं। मैं अब आपको बाणगंगा के दर्शन कराता हूँ। आओ जी, बाणगंगा के दर्शन कराते हैं भक्तों को। ये देखो बाणगंगा है, बाणगंगा ये इधर स्नानागृह है, स्नान करते हैं यहाँ पे लोग बाग। ये देखिए अब ये हम बाहर द्वार की तरफ जा रहे हैं, हम आपको एक आखिरी वीडियो दिखाएंगे बाहर द्वार की। ये देखिए ये गुलशन कुमार का लंगर है, ये बहुत पुराना लंगर है। उन्होंने मेरे को देखते देखते 30 साल हो गए, 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ, दिन रात लंगर चलता है। और ये यहाँ पे यात्रा का विराम होता है, अगली बार माता रानी से यहीं मिलेंगे। तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको दर्शनी दरवाज़ा दिखाऊंगा जहाँ से एंट्री करते हैं, ये यहाँ से आगे से एंट्री करते हैं, दर्शनी दरवाज़ा दिखाता हूँ मैं आपको। और ये देखो जी लंगर हो रहा है, लंगर चल रहा है, बहुत ही शानदार लंगर चलता है। ये देखिए आप, ये लंगर चल रहा है। जो हमारे ये कार्ड लिए गए थे, ये वाले कार्ड, ये कार्ड अब हमें वापसी देने होंगे यहाँ पे वापसी देने होते हैं कार्ड। ये देखिए बस अब हम बाहर निकल चुके हैं। माता रानी आपको सबको बहुत आशीर्वाद दे, आज आपने हमारे साथ दर्शन किए हैं, इसका हम सबको एक दूसरे के साथ दर्शन करने का पुण्य दे। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।